तुक्को जी वर्सेस रकमा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। रकमा को जब मैं देखती हूँ तो दिल में गुस्सा आता है, दया भी आती है कभी कभी कि कैसे नेगेटिव विचार अपने मन में भर के बैठी है, कैसी जैसी अपने मन में भर के बैठी है। और जब तुक्को जी को देखती हूँ तो उनपे तरस आता है दोस्तों, और प्यार भी आता है। तरस इसलिए आता है कि रकमा जैसी वाइफ है उनके साथ, रकमा उनको कितना प्रताड़ित करती होगी जब उनके डिसीजन से वो सहमत नहीं होती होगी। कुछ सीन तो हमने देखे हैं और कुछ हम समझ सकते हैं। और तुक्को जी का दिल कितना साफ है ये वो हमेशा प्रूव करते हैं, और इस संकट की घड़ी में भी उन्होंने ये बात प्रूव कर दी। चलिए बात करते हैं इसके ऊपर, मगर पहले वही गुजारिश, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। आप भी देख चुके हो तुक्को जी की जर्नी, हम भी देख चुके हैं, हम बात भी बहुत बार कर चुके हैं कि तुक्को जी जितना सपोर्टिव है, जितने समझदार है, रकमा उनके आगे जीरो क्या माइनस है। एक सिचुएशन है जो पूरे जो है होलकर परिवार के ऊपर है, जो रेनू और प्रीक्षित की जो बात चल रही है विवाह की, वो सिचुएशन है। उस सिचुएशन में रकमा कैसे अपनी जो है हीन भावना, अपनी नेगेटिव भावना को निकालती है रेनू के ऊपर। और दूसरी तरफ तुक्को जी हैं जो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि अहिल्या सही है मगर कठिन है ये राह। बिल्कुल स्पष्ट सिचुएशन है दोस्तों, सबको दिख रहा है, मगर यहाँ पे साथ नहीं देना है कोई बात नहीं है, आपको साथ नहीं चलना है कोई बात नहीं है, मगर आप इसमें कहते नहीं बहती गंगा में हाथ मत धोइए। रकमा ने वही किया, अपनी भड़ास निकाली रेनू के ऊपर क्योंकि अहिल्या के ऊपर उनको गुस्सा जलसी वो सब चीजें हैं, मगर तुक्को जी उन्होंने खंडेराव को सही सलाह दी, उन्होंने अहिल्या के साथ बैठ के जब उनके कमरे में थे वहां पे भी उन्होंने सही बात कही कि असंतोष बहुत है, डिफिकल्ट सिचुएशन है। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि गलत है। प्रीक्षित को भी वो समझाने के लिए गए, उसके प्रेम का भी उन्होंने आदर किया। ये है तुक्को जी। और रकमा, मैं तो यही कहूंगी कि रकमा अगर ऐसे लोग इस तरह की चीजें करते हैं तो आगे उनको इन कर्मों का कैसे भुगतान करना पड़ेगा ये तो भगवान ही जानता है, क्योंकि कर्मों का भुगतान तो करना ही पड़ता है। तो ये फर्क है तुक्को जी और रकमा के बीच में जो मुझे स्पष्ट नजर आया है, आपको भी नजर आया होगा, बट इनके ऊपर बात करना बहुत जरूरी है दोस्तों, क्योंकि ये जो रकमा जैसे लोग हैं ये आज भी मौजूद हैं और तुक्को जी जैसे लोग भी आज मौजूद हैं, और हमें किनके जैसा बनना है ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। क्या हमें दूसरों के जो है सिचुएशन पे हंसना है, या दूसरे की सिचुएशन पे मजा उड़ाना है, दूसरे की सिचुएशन में नमक छिड़कना है, या फिर हमें उन पे मरहम लगाना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए तुक्को जी वर्सेस रकमा, इनमें आप कौन हो, आप तुक्को जी हो या आप रकमा हो, कमेंट करके बताइए। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.